हाय एवरीवन, वेलकम बैक। तो आ गया है हमारा एकदम लास्ट मोमेंट। तो आज है हमारा एलजेब्रा का पेपर। डोंट वरी, मैं अभी भी आपके साथ हूँ। तो चलो मैं इस वीडियो में आपको बताती हूँ एग्जाम के कुछ टिप्स, जिससे आपके 2-3 मार्क्स बच सकते हैं या उससे भी ज्यादा बच सकते हैं। और लास्ट में मैं कुछ आपको पेपर प्रेजेंटेशन टिप्स भी देने वाली हूँ। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मुझे बच्चे ये पूछते हैं, नंबर 1, कि हमको एमसीक्यूज का क्वेश्चन लिखना है कि नहीं लिखना है। तो आपको एमसीक्यूज का क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं लिखना है, ठीक है? डोंट वेस्ट योर टाइम, क्वेश्चन लिखने में टाइम वेस्ट मत करो। और आपको एमसीक्यू का जो आंसर है वो कौन से फॉर्मेट में लिखना है, चलो वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि मान लो कि क्वेश्चन नंबर 1A जो होता है वो हमारा एमसीक्यू होता है। तो मान लो कि जो हमारा फर्स्ट वन है उसका जो राइट ऑप्शन है वो है मान लो ऑप्शन नंबर डी। तो आपको ये जो लेटर है ना वो मेंशन करना है, यानी कि जो अल्फाबेट है ना, कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में से कौन सा राइट ऑप्शन है, ऑप्शन डी, तो वो ऑप्शन डी लिखो। जैसे कि सेकेंड वन मान लो ऑप्शन बी राइट है तो ऑप्शन बी लिखो। थर्ड वन हमारा मान लो ऑप्शन ए राइट है तो ऑप्शन ए लिखो। फोर्थ वन मान लो हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट है तो ऑप्शन डी लिखो। अगर आपने इतना भी लिखा, इतना ही आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है, तो अगर बस आपने इतना भी लिख दिया तो बहुत हो गया, ठीक है? और आपको एक एक लाइन छोड़ना है। तो यहाँ पे जब भी आप एमसीक्यू लिखोगे तो एक एक लाइन आप लोग छोड़ के लिखो, ठीक है? एमसीक्यू का क्लियर हुआ, क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं लिखना है। और अगर मान लो डी के साथ अगर वो आप जो हमारा ऑप्शन है ना, जैसे कि डी ऑप्शन मान लो कि कुछ है उसका, जैसे कि 3 है, मान लो 3 हमारा राइट आंसर था, तो वो भी लिख सकते हो, आपके ऊपर है, आप ये भी लिख सकते हो। लेकिन ये लेटर जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो वो आपको लिखना है। एग्जामिनर को परेशान मत करो, यानी कि जो आपका पेपर चेक करेगा ना उसको बिल्कुल भी परेशान नहीं करना है आपको, ओके? अभी सेकंड बात बहुत बच्चे ये बोलते हैं कि ग्राफ पेपर हमको कहाँ पे अटैच करना चाहिए, कि मतलब बीच में अटैच करे कि लास्ट में अटैच करना चाहिए। तो सबसे पहले ग्राफ पेपर आपको लास्ट में अटैच करना चाहिए, क्योंकि हमारा ग्राफिकल मेथड आ सकता है, मे बी हिस्टोग्राम बनाने आ सकता है, तो एक ग्राफ नहीं होगा, 2-3 ग्राफ होंगे। तो आपको पीछे लास्ट में अटैच करने हैं, या लास्ट में एकदम अटैच कर दो ग्राफ पेपर को। स्केल लिखना बिल्कुल भी मत भूलना, और ग्राफ पेपर पे आपको सिर्फ पेंसिल का ही यूज करना है। चाहे आप छोटी से छोटी नेमिंग कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ पेंसिल का यूज करो, ठीक है? ओके। कुछ बच्चे बोलते हैं वो हिस्टोग्राम में हम लोग 2 सेंटीमीटर का स्केल ले सकते हैं, क्या ले सकते हो? उसका जो हिस्टोग्राम का जो रेक्टेंगल का जो ब्रेथ है ना, वो आप 2 सेंटीमीटर रख सकते हो, बस आपको वो स्केल में मेंशन करना पड़ेगा। तो स्केल जरूर लिखना, ठीक है? चलो अभी यहाँ पे आ जाते हैं, एक्टिविटी के बारे में डिस्कस करते हैं। बहुत बच्चे ये बोलते हैं कि एक्टिविटी कैसे लिखे हम लोग, अरे एक्टिविटी को आपको फिर से रीराइट करना है। तो देखो जो मेन क्वेश्चन है ना, मेन क्वेश्चन नहीं लिखना है एक्टिविटी का। यहाँ पे देखो जब भी एक्टिविटी का क्वेश्चन आएगा ना, जरा नोटिस करना, एक्टिविटी के क्वेश्चन में है ना ऐसे लिखा होगा कि एक्टिविटी स्टार्ट हो गई है। तो जहां से एक्टिविटी स्टार्ट हो गई है ना, तो पहले ऐसे लिख दो एक्टिविटी, और वो जो एक्टिविटी जहां से स्टार्ट हो गई है वहां से उसको रीराइट लिखना है, मतलब रीराइट करना है, उसको फिर से लिखना है। और जो बॉक्सेस वाले जो आंसर हो गए ना, वो आपको उस बॉक्सेस में फिल करना है। आपको एक्स्ट्रा स्टेप्स बिल्कुल भी नहीं दिखाने हैं एक्टिविटी में, जो बॉक्स में आने वाला है ना वही, बस उतना भी लिखा तो भी चलेगा। कुछ बच्चे बोलते हैं हमने एक्स्ट्रा, अगर एक्स्ट्रा स्टेप लिख दिया तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना? नहीं होगा, लेकिन खाली फोकट क्यों परेशान करते हो एग्जामिनर को, है ना? उनको बस उन लोग क्या देखने वाले, वैसे भी वो बॉक्स ही देखने वाले हैं। और बॉक्स जरूर बनाना, अगर आप बॉक्स नहीं बनाओगे ना तो एग्जामिनर इरिटेट हो जाता है, वो बोलता है अरे यार इसने बॉक्स नहीं बनाया है, तो वो है ना गुस्से में आके क्या होता है ना कि फिर कभी कभी ना कहीं से और से मार्क्स काट लेगा, यानी कि काट लेगी वो, ठीक है? तो इससे अच्छा बेटर है कि आप बॉक्स वगैरह अच्छे से बनाओ। बॉक्स पेंसिल से बना सकते हो, पेन से बना सकते हो, कहीं कोई भी किसी से भी बनाओ, बट एडवाइस ये दिया जाता है कि पेन से बना दो, ठीक है? एक्स्ट्रा स्टेप्स आपके ऊपर है, आपको अगर लिखना है तो लिखो, नहीं तो उसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ओके? चलो नेक्स्ट। अभी यहाँ पे देखो जो भी हमारे फॉर्मूलाज होते हैं ना, जैसे कि अगर मान लो ये टीएन का फॉर्मूला है, टीएन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इनटू डी, तो अगर आप ये फॉर्मूला है ना उसको अगर आप थोड़ा सा बॉक्स में बंद कर दोगे ना तो और अच्छा लगेगा, थोड़ा सा इससे इंप्रेशन अच्छा आएगा, या आप एक बस अंडरलाइन कर दो तो भी एक इंप्रेशन अच्छा आएगा। जैसे कि अगर आप मीडियन का कोई फॉर्मूला लिख रहे हो, मोड का कोई फॉर्मूला लिख रहे हो, तो अगर आप उसको थोड़ा अंडरलाइन कर दोगे या बॉक्स में बंद कर दोगे, लास्ट में उसको बॉक्स में बंद कर दोगे, वो बॉक्स आप पेन या पेंसिल किसी से भी बना सकते हो, तो थोड़ा सा अच्छा इंप्रेशन आता है, ठीक है? उसके बाद बच्चे बहुत हॉट से उन लोग बहुत घबराए हुए, बट मैं यही बोलूंगी कि आप अपना पूरा जान लगा दो हॉट्स को सॉल्व करने के लिए। हॉट्स छोड़ के तो बिल्कुल भी मत आना। अगर मान लो आपको कुछ नहीं आ रहा है ना, उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करना, उसको अगर आपने थोड़ा भी अटेम्प्ट करने की कोशिश की ना, तो आपको कुछ ना कुछ तो मार्क्स मिलेगा। हर एक स्टेप का मार्क्स होता है। मान लो कि कोई एपी का हॉट्स आ गया, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का हॉट्स आ गया, अरे उसका फॉर्मूला लिख के आ जाओ, टीएन का फॉर्मूला, एसएन का फॉर्मूला लिख के आ जाओ, कुछ तो लिख के आओ, क्या पता आपको हाफ एक मार्क्स मिल जाए, है ना? कुछ भी मतलब ट्राई करो, उसको अटेम्प्ट करके कुछ ना कुछ
दो तीन स्टेप लिखने को और उसको अटेम्प्ट करके आ जाना, ठीक है? ओके, और एक बात देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप पहला मैथमेटिक्स पेपर देने जा रहे हो और अभी तक आपको कोई ग्राफ पेपर वगैरह यूज तो हुआ नहीं है लैंग्वेजेस में, तो यहाँ पे ना लास्ट में आपको ना एक बार रीचेक करना है कि आपने नंबर वन क्वेश्चन नंबर, तो भाई साहब पहले ही अच्छे से लिखना, जो भी हमारा क्वेश्चन नंबर होता है, जो हमारा सब क्वेश्चन नंबर होता है, वो बहुत अच्छे से आपको लास्ट में भी चेक करना है, लास्ट में भी रीचेक करना है और बार बार वो खुद को याद दिलाना कि मैंने क्वेश्चन नंबर लिखा है ना, मैंने सब क्वेश्चन नंबर लिखा है ना। हाँ, और है ना कुछ बच्चे क्या हो जाएंगे ना, ग्राफ पहली बार आने वाला, मतलब पहली बार आने वाला है, मतलब कि पहला एग्जाम दे रहे हो ना अलजेब्रा में, और इसमें बहुत सारे ग्राफ्स के क्वेश्चन हो सकते हैं, मतलब मुझे लगता है एक से दो भी क्वेश्चन हो सकते हैं, दो क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, ग्राफिकल मेथड हो सकता है, हिस्टोग्राम बनाने आ सकता है या फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाने आ सकता है, तो लास्ट में ग्राफ पेपर को जरूर अटैच कर लेना, नहीं तो कोई बच्चे क्या पता वो ग्राफ पेपर भूल जाए, उनका ग्राफ पेपर कहीं नीचे चला गया, बेंच के नीचे चला गया, उड़ रहा है और उनको याद ही नहीं है और वो भूल जाएंगे लास्ट में अटैच करना, तो ये याद रखना लास्ट में आप रीचेक करना कि आपने अपना ग्राफ पेपर जो है वो लगाया है कि नहीं लगाया है, ठीक है? याद से क्वेश्चन नंबर प्रॉपरली लिखना, सब क्वेश्चन नंबर भी प्रॉपरली लिखना। पेपर प्रेजेंटेशन बहुत ही सिंपल है रे, देखो मैंने यहाँ पे एमसीक्यू का तो बता दिया था ना, क्वेश्चन नंबर आप लिख देना, एमसीक्यू में क्या करना है आपको, 1111 लाइन छोड़ना है, ठीक है? 1-1 लाइन छोड़ो, बहुत ही अच्छा, बहुत ही स्वीट लगेगा। उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1B होगा ना, उसको तो आप कंटिन्यू कर सकते हो सेम पेपर में, ठीक है? क्वेश्चन सेम पेज में, सॉरी, कंटिन्यू कर सकते हो, तो यहां से हम लोग अपना स्टार्ट कर देंगे। तो यहां पे देखो, जब भी हम सॉल्व द फॉलोइंग वगैरह करेंगे ना, तो हर दो आंसर्स के बीच में दो लाइन का स्पेस छोड़ना, ठीक है? दो दो लाइन का अगर आप स्पेस छोड़ोगे ना, तो वो थोड़ा अच्छा लगेगा, प्रेजेंटेबल लगेगा, तो गैप थोड़ा सा अच्छा रखना, तो ऐसा खिचड़ी मत बनाना, मतलब थोड़ा गैप एकदम नीट एंड क्लीन करना अपना पेपर, ऐसे कटम कुटुम ज्यादा मत करना, ऐसे कट मत करना, बस आपको अगर कोई रॉन्ग लग रहा है तो उधर बस एक लाइन मार लो या दो लाइन मार दो बस, तो वो नीट भी दिखना चाहिए, ज्यादा ऐसा कट 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 करो। मान लो आपका अभी जैसे कैलकुलेशन पार्ट होता है, अगर मान लो आपका कैलकुलेशन पूरा ही रॉन्ग आया है, तो बस एक लाइन इनाफ है कि आप उस एक लाइन से कट कर रहे हो और ये दर्शा रहे हो कि अच्छा ये देखो ये रॉन्ग है, तो टीचर समझ जाएगी। टीचर होशियार होते हैं, ऐसा थोड़ी ना उनको नहीं पता होगा, ठीक है? ज्यादा ऐसा कुटु 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 मत करना, ऐसा कच कच मत करना, ठीक है? और याद रखना कि आप फाइनल आंसर जो है ना वो लिख रहे हो, जैसे कि ना बहुत बच्चे भूल जाते हैं, जैसे हमारे ये वर्ड प्रॉब्लम्स वगैरह होते हैं, जैसे कि फाइंड द प्रेजेंट एजेस ऑफ मनीष एंड सविता, तो लास्ट में जरूर लिखने का, देयरफॉर द प्रेजेंट एजेस ऑफ मनीष एंड सविता आर 38 इयर्स एंड 21 इयर्स respectively, ये लास्ट में जो हम लोग लिखते हैं ना, इसमें बहुत अच्छा हमारा इंप्रेशन आता है। जैसे कि आपको डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप ऐसे लिखो, लास्ट में आप लिखोगे therefore the value of the determinant is 3, ये फाइनल आंसर थोड़ा सा नीचे लिखोगे ना मजा आ जाएगा, ठीक है? और उसको बॉक्स में बना दोगे तो और मजा आ जाएगा। और एक बात, यूनिट को मेंशन करना बिल्कुल भी मत भूलना। अच्छा, यूनिट किस में है? ये तो ज्योमेट्री का होना चाहिए ना, ज्योमेट्री में तो यूनिट कोई बच्चे भूल जाते हैं, सेंटीमीटर मीटर, लेकिन एलजेब्रा में भी है एक्चुअली। में याद रखना, जो स्टैटिस्टिक हमारा चैप्टर है, उसमें जो हमारा मीन या मीडियन या जो मोड है, ठीक है, इसमें है ना लास्ट में क्या हो गए ना, यूनिट्स हो गए। जैसे कि हम लोग मान लो मीन निकाल रहे हैं, किसका मीन निकाल रहे हैं हम लोग, किसका निकाल रहे हैं कि नंबर ऑफ आवर्स कितना स्टडी किया बच्चों ने, उसका मीन निकाल रहे हैं, तो जो लास्ट में जो मीन आएगा वो आवर्स में आएगा, तो वो आवर्स जो है ना, ये जो आवर्स वगैरह है ना, वो मेंशन करना, ये यूनिट को मेंशन करना लास्ट में, ठीक है? स्केल वगैरह सब अच्छे से लगा देना ग्राफ पेपर में, लिखना, ठीक है? और एक क्वेश्चन ये भी था बच्चे का कि पाई डायग्राम कहाँ पे बनाना है, ग्राफ पेपर पे कि नॉर्मल जो हमारी आंसर शीट होती है उसमें, तो पाई डायग्राम आपको ग्राफ पेपर के ऊपर नहीं बनाना है, उसको नॉर्मल अपनी जो आंसर शीट होती है ना वहां पर ही बनाना है, ठीक है? और यहाँ पे देखो, ये जो मीन है और मोड और मीडियन, इसके तो टेबल्स वगैरह सब बनते हैं ना। हाँ, और हिस्टोग्राम का या जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का जो टेबल होगा ना, वो भी आंसर शीट पे ही बनाना है, ग्राफ सिर्फ आपको ग्राफ पेपर पे बनाना है, ठीक है? ये सब हो गया। तो बस क्या बोला मैंने आपको कि आप जब भी दो आंसर्स के बीच में आप दो दो लाइन का गैप छोड़ के लिखो और न्यू क्वेश्चन नंबर न्यू पेज से स्टार्ट करो। जैसे क्वेश्चन नंबर 1A, क्वेश्चन नंबर 1B आप कंटिन्यू कर सकते हो, लेकिन जैसे ही क्वेश्चन नंबर 2A आएगा उसके लिए न्यू पेज लेना, ओके? वैसे ही क्वेश्चन नंबर 2B जो है वो कंटिन्यू हो सकता है, ठीक है? और क्वेश्चन नंबर 3 आएगा तो उसके लिए न्यू पेज लेना, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए न्यू पेज, क्वेश्चन नंबर 5 के लिए न्यू पेज, बस थोड़ा सा गैप अच्छे से छोड़ना, ठीक है? ओके, अभी ना बहुत बच्चों का अभी भी वो फाइनेंशियल प्लानिंग वाला चैप्टर नहीं हुआ है, तो अभी आप कुछ भी नया करने को मत जाना, बस मैं आपको यही एडवाइस करूंगी कि फाइनेंशियल प्लानिंग का जो 1 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन है ना, बस वो देख के जाना,
तो क्वेश्चन बैंक के जो एमसीक्यूज है ना वो बस रेफर करके चले जाओ, और जो अपने टेक्स्ट बुक के एमसीक्यू है वो भी रेफर कर लो, बस आपका हो गया, ज्यादा अभी कुछ नया मत करना। लेकिन अगर फाइनेंशियल प्लानिंग हो गया है तो वेरी गुड, अच्छी बात है, जिसका नहीं हुआ है उसके लिए बोल रही थी। फॉर्मूला रिवाइज जरूर कर लेना, मैंने हैंड रिटन नोट्स दिए आपको, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल रहा है हैंड रिटन नोट्स का, और क्वेश्चन बैंक का भी लिंक मैं दे देती हूँ नीचे, तो आप ये रिवाइज कर लेना, फॉर्मूला रिवाइज कर लेना। किसके फॉर्मूला रिवाइज करने हैं आपको? एक टीएन का फॉर्मूला, एसएन का फॉर्मूला हो गया, मीन मीडियन मोर का फॉर्मूला जो हो गया, ये ना मीन मीडियन मोर का फॉर्मूला थोड़ा सा अच्छे से रिवाइज करना, बाकी तो ज्यादा किसमें फॉर्मूला है नहीं। क्रैमर्स रूल वगैरह है वो याद रखना, क्रैमर्स रूल का जो फॉर्मूला होता है लास्ट में, जो हमारा जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और जो हमारा जनरल फॉर्म है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, वो सब याद रखो, ठीक है? सब मेरे हैंड रिटन नोट्स में मिल जाएगा, अगर आप एक बार गो थ्रू करोगे ना हैंड रिटन नोट्स को तो सब याद आ जाएगा आपको, ज्यादा आप प्रेशर मत दो खुद को, ठीक है? तो बस यही मुझे बताना था, तो मैंने सब कुछ आपको बता दिया होगा, बस लास्ट में प्लीज जरूर चेक करना कि आप ग्राफ पेपर वगैरह सब अटैच कर रहे हो कि नहीं, ठीक है? लास्ट में अटैच करना है ग्राफ पेपर। हाँ, और एक बात, जब भी आप नंबर ऑफ सप्लीमेंट लिखोगे तो आपको ग्राफ पेपर को भी काउंट करना है। देखो, मेन एक तो हमारा मेन आंसर शीट होगा, ये हमारा मेन आंसर शीट होता है, ठीक है? उसके बाद क्या होता है, मान लो अगर आपने दो ग्राफ पेपर लिए थे ओके, तो यानी कि आपने टोटल कितने सप्लीमेंट्स लिए हैं? दो सप्लीमेंट्स लिए हैं, तो एक हमारा मेन आंसर शीट प्लस नंबर ऑफ सप्लीमेंट कितने हो गए आपके? दो हो गए, तो दैट इज इक्वल टू टोटल हो गया 3, ठीक है? अगर मान लो आपने दो ग्राफ पेपर लिए थे और आपने एक नॉर्मल सप्लीमेंट लिया था, नॉर्मल सप्लीमेंट भी आता है, तो मतलब कि आपके टोटल नंबर ऑफ सप्लीमेंट कितने हो गए? फिर आपके टोटल नंबर ऑफ सप्लीमेंट 3 हो गए, क्योंकि ये नॉर्मल वाला प्लस दो ग्राफ वाला भी कंसीडर करना पड़ता है, ठीक है? तो 3, तो यानी कि टोटल हो गए हमारे 4। तो ये मेंशन करने का क्यों, पता है ये मेंशन करना क्यों जरूरी है? क्यों, मान लो कि अगर टीचर वगैरह से क्या होता है कि कभी कभी धागा वागा निकल गया, ये निकल गया, तो आपका ग्राफ पेपर उड़ जाएगा, इधर गया उधर गया, फिर टीचर बोलोगे अरे इसने ग्राफ बनाया ही नहीं है। लेकिन अगर आपने ये लिखा हुआ होगा तो वहां पे प्रूफ होगा कि नहीं, ग्राफ बनाया था, देखो नंबर ऑफ सप्लीमेंट 3 है, उसमें से एक सप्लीमेंट तो मिसिंग है, तो ये प्रूफ होता है, ओके? तो ये लिखने का, ओके? क्वेश्चन नंबर जरूर लिखना, क्वेश्चन नंबर लिखना भूल जाते अभी भी बच्चे, हर रोज कमेंट आता है कि मैम मैं क्वेश्चन नंबर लिखना भूल गया, मैं क्वेश्चन नंबर लिखना भूल गई। अरे ऐसे कैसे भूल जाते हो, इतना तो तुमको मैं बताती हूँ, लास्ट में चेक करना है क्वेश्चन नंबर, ठीक है? और कैलकुलेशन वगैरह लास्ट में चेक करना है, 15 मिनट पहले ही आपका पेपर हो जाना चाहिए, फिर से पूरा पेपर अच्छे से रीचेक करना, फॉर्मूला बरोबर लिखा है ना, कैलकुलेशन वगैरह सब बरोबर किया है ना, एक बार रीचेक करना, आराम से पेपर लिखना, एकदम गड़बड़ी में मत लिखना, नहीं तो ज्यादा चांसेस है फिर ज्यादा रॉन्ग हो जाएगा, ज्यादा मिस्टेक होगा, ठीक है? तो बस यही छोटा सा वीडियो था, आपको थोड़ा सा मोटिवेट भी किया होगा, थोड़ा सा टिप्स भी दिया होगा, ठीक है? ओके, चलो अभी हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जो आज ही होने वाला है, ज्योमेट्री है हमारा नेक्स्ट पेपर, डोंट वरी, उसकी भी प्रिपरेशन बहुत जोरों से चल रही है, लाइव सेशन में मिलेंगे, 8 बजे लाइव सेशन होगा, ठीक है? चलो, तो ऑल द बेस्ट, एंड फोड़ के आना, और मुझे जरूर कॉमेंट में बताना कि कैसे पेपर गया, मैं वेट कर रही हूँ आपका, ठीक है? चलो बाय, एंड टेक केयर, एंड ऑल द बेस्ट।